उर्वशी ने फेर दिया है गहना और गौरव के प्लानिंग पे पानी। जी हाँ, आपको बता दे कि गहना और गौरव साथ बैठकर घर में पूजा कर रहे होते हैं, लेकिन ये बात उर्वशी को रास नहीं आती। मैडम थोड़ा पीछे। कहाँ से? और तभी उर्वशी वहां पहुंच जाती है और पूजा में पानी डालकर पूजा भंग कर देती है। कनाडा में सत्यनारायण की पूजा कहां ही होती होगी? गायत्री को बताओ कि जहां वो बैठी वो जगह भी उसे बताना क्या, सुनी लिया होगा। वास्तविक तुम बना लो। देखिए बैठिए। ऊपर याद बोलती है। उठ गई। देखिए दोनों में बहसबाजी स्टार्ट होने लगी। मेरे घर में मुझे कहाँ उठना है और कहाँ बैठना है ये मैं बताऊंगी, तुम नहीं। माँ, पागल औरत को यहाँ से ले। उर्वशी का ऐसा कहना है कि गायत्री यानी कि गहना तो यहाँ रहती नहीं थी, फिर इस पूजा पाठ के बारे में उन्हें कैसे पता है और वो क्यों कर रही है? वरना मैं गुस्से में कुछ और भी कह दूंगी। गहना बोलती है, आंखें नीचे। उर्वशी भी चिल्लाने लगी, और तुम पीछे, दूर हटो मुझसे। गहना बोलती है, और तुम दूर रहो मुझसे। बहसबाजी हो गई, ज्यादा बोली ना, वरना उर्वशी जी की आवाज आई, वरना क्या? आगे चल के आई पास में। इसलिए हमारे मुंह मत लगना, क्योंकि अगर हमने अपना मुंह खोल दिया ना तो ना ऊपर वाला काट पाएगा और ना ही तुम्हारी मोमबत्तियां, समझी? ये आपके पास आई, चल के उठी, बैठी, आगे बैठे। अनुप जी का पुत्र अब देखना ये होगा कि उर्वशी की इन हरकतों के बाद क्या गहना उसे सारी सच्चाई बताती है और क्या अपनी असलियत सबके सामने लाती है। इसी तरह की और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल जय शोबिज़ को।